मैं हूँ फरजाना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में अब 4 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी संदर्भ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत दी है। उन्होंने बताया है कि तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे। ये बात मुलायम सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान कही थी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आगे यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की है, इतनी तैयारियां किसी भी पार्टी की नहीं है। इसके अलावा भी मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सिंह यादव के लिए और भी कई निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले ज्यादातर महिलाओं संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। इसी दौरान एक पत्रकार द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर कि शिवपाल सिंह की पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी, इससे समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, तो मुलायम सिंह ने इसके जवाब में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ इतना कहा कि यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।